हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस किचन में। स्वागत है आपका। ये हम बनाने जा रहे हैं प्याज की रेसिपी। ये 1 किलो प्याज ली है हमने, इसे कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद हमने गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाला है। ये तेल 1 बड़ा चमचा वो डालना है। और इसे गरम होने के बाद इसमें प्याज डालना है। ये अभी मेरा गरम हो रहा है। ये गरम हो चुका है, इसमें हमने प्याज डाली। प्याज डालने के बाद इसे हमें चलाना है। सारी डाल दी, इसे हमें चलाना है। फिर चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे जल जाएगी। अभी इसमें नीचे पानी निकलेगा। मैं इसे किनारे कर दिया है इसलिए क्योंकि ये पानी जल्दी जल जाता है। अगर इसे इकट्ठा करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। पूरा पानी सोख चुका है तो हमने इसे इकट्ठा कर दिया। अब ऐसे ही तलना है इसे। इसे तलने के लिए हमें 40 मिनट लगे हैं फुल फ्लेम पे। अब कुछ ऐसी इसका कलर चेंज होगा सुनहरा। उसके बाद हमें इसमें मसाले डालने हैं। ये नीचे जलने लगेगी, इसे लगातार चलाते रहना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जलने लगेगी नीचे। जिस तरह से चला रहे हैं उसी तरह चलाना है आपको। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी प्रेस करें, जिससे मेरा वीडियो आपके पास पहुंच सके। अब ये नीचे जलने लगी है। अब ये भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे मसाले। इसमें जीरा डाल दिया है हमने। अब ये जीरा, हींग, मिर्च और अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक। इसमें हमने 1 टीस्पून मिर्च डाली है और ये हींग रहेगी, हींग डालनी है। हींग डाल दी हमने। अब इसे चलाना है 2 मिनट तक ऐसे फुल फ्लेम पे, क्योंकि नमक डालने से इसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है। तो 2 मिनट तक और भूनना है इसे, ऐसे ही तलना है चलाते हुए। अब ये हमारी प्याज तैयार हो चुकी है। बस इसे हमें निकाल लेना है। नमक डालने के बाद दोस्तों 2 मिनट तक कम से कम भूनना है, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नमक डालने के बाद थोड़ा सा गीला हो जाता है। अगर ज़्यादा गीला रहेगा तो ये बन नहीं पाएगा। इसी तरह लगाते चलाते रहना है इसी तरह।
अब हमने आटा अपना लगा के रख लिया है। आटा इसका ढीला ही रखना है, ये देखो। और ये हमने उसमें से एक लोई तोड़ी, ये बनाने लगी। इसमें बीच में इस तरह से आप हाथ से लगाना चाहे हाथ से रख लगा सकते हैं, भर सकते हैं उसे, चम्मच से भरना चाहे चम्मच से। और इसे राउंड राउंड करके बंद कर देना है। इसे हल्के हाथों से बेलना है। ये आपको बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, ये हमने थोड़ी वीडियो जल्दी कर दी है इसलिए, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाती वीडियो। ये हमारी रोटी बन चुकी है। थोड़ी सी इसे मोटी ही रखनी है, बिल्कुल पतली नहीं करनी। ये बन चुकी है, ये रख, ये तवे पे डाल दिया हमने अपना पराठा। अगर रोटी बनाना चाहे तो आप रोटी बना सकते हैं, पराठा बनाना चाहे आप पराठा बना सकते हैं। हमें तो दोनों पसंद आती हैं, हम दोनों ही बनाते हैं। और आप इसे चटनी से खा सकते हैं, चाय से भी खा सकते हैं, दाल से भी खा सकते हैं, सब्जी से, अचार से, किसी से भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती हैं रोटी और पराठा दोनों ही। आपको क्या पसंद आती हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो हमारा पराठा बन रहा है, ये हमारा पराठा तैयार हो गया। तैयार हो गया। अब ये हम रोटी बना के दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ही रोटी बनती है बिल्कुल। ये हमने भर दिया, भरना ऐसे सावधानी से, नहीं तो ये निकल जाता है, फट जाती है अगर बेलने से। बहुत सावधानी से बननी है, ये देखो मैंने बहुत आराम से दिखा, ऐसे लॉक करके बस। अब इसे भी बेल देंगे। ये हमारी रोटी बेल चुकी है। थोड़ी सी पतली नहीं करनी है, थोड़ी मोटी रखनी है, ज़्यादा पतली नहीं। ये हमारी रोटी बन गई है। ये हमारी रोटी तवे पे हमने पलट दी है, अभी हम इसे सेकेंगे। ये हमारी रोटी अगर इसे खाओगे दोस्तों आप, तो बार बार कहोगे ये मुझे खानी है ज़रूर। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, प्लीज़ 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 ट्राई ज़रूर करना। ये देखो अभी
अभी बन के तैयार हो रही है हमारी रोटी। मैंने आपको रोटी बना के दिखाई, पराठा भी। अब जो आपको पसंद हो वो आप बनाना, मुझे तो दोनों पसंद हैं इसलिए मैं दोनों बनाती हूँ। ये हमारी रोटी बन के तैयार हो गई, और ये घी लगा दिया, घी लगा के खाओ, बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वाद में बहुत अच्छी लगती है हमारी। ये लो, बन गई हमारी।